दोस्तों, हिमालय जो कि भारत का एक प्रमुख पर्वत श्रृंखला है, जो कि दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला भी है, यह बात भारत का बच्चा जानता है। लेकिन क्या आपको पता है कि हिमालय के इन विशाल पर्वतों का फॉर्मेशन कैसे और कब हुआ था? अगर मैं आपसे कहूं कि हिमालय के इन बड़े बड़े पर्वत और चोटियों को आप जिस जगह अभी देखते हैं, वहां एक समय विशाल समुद्र हुआ करता था, तो शायद आप यकीन नहीं कर पाएंगे। लेकिन आपको विश्वास हो या ना हो, लेकिन सच्चाई यही है कि पृथ्वी पर हिमालय हमेशा से मौजूद नहीं था। ये 50 करोड़ साल पहले के उस दौर की बात है, जब हमारे भारत का भी अपना कोई अलग वजूद नहीं हुआ करता था। लेकिन फिर पृथ्वी पर ऐसी एक हलचल हुई जिसने सारी दुनिया का नक्शा बदल कर रख दिया। तो दोस्तों, 50 करोड़ साल पहले हुई आखिर यह घटना क्या थी? पृथ्वी पर हिमालय का जन्म कैसे हुआ? और यह पर्वत श्रृंखला हमारे वजूद के लिए इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? ये सब कुछ आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, इसलिए इसे अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, हिमालय दुनिया की कई ऊंची ऊंची चोटियों का एक घर है, और इसमें दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट भी शामिल है। जो नहीं जानते उन्हें बता दें कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई समुद्र स्तर से 8,888 मीटर है। सबसे ऊंची पर्वत छोटी होने के अलावा हिमालय का सांस्कृतिक और आध्यात्मिक रूप से भी बहुत ज्यादा महत्व है, जहां हिंदू और बौद्ध की आस्थाएं इस पर्वत श्रृंखला के साथ जुड़ी हुई हैं। जैसा कि हमने बताया, हिमालय पृथ्वी पर हमेशा से नहीं था। इसके बनने की शुरुआत आज से करीब 50 करोड़ साल पहले हुई थी। ये नक्शा जो आप इस समय अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, तब दुनिया ऐसी हुआ करती थी। इस दौर को क्रिटेशियस युग कहा जाता है, जिसमें महाद्वीपों की रूपरेखा और उनकी लोकेशन आज के हिसाब से बिल्कुल अलग थी। आज जहां हम दुनिया में 7 अलग अलग महाद्वीपों को देखते हैं, उस दौर में यह सिर्फ 2 विशाल महाद्वीप हुआ करते थे। बाद में इन्हीं दोनों महाद्वीपों के टूटने से 7 अलग अलग महाद्वीप बने। इन दोनों विशाल महाद्वीपों के दक्षिण वाले हिस्से को हम गोंडवाना और उत्तर वाले हिस्से को लॉरेशिया कहते हैं। अगर आप गौर से देखेंगे तो पाएंगे कि जिस जगह पर आज हिमालय मौजूद है, लेकिन पहले के समय क्रिटेशियस पीरियड के दौरान वहां सिर्फ समुद्र हुआ करता था, और महासागर के इस हिस्से को हम तेदस्सी कहकर बुलाते हैं। अब हिमालय के फॉर्मेशन की बात करें तो 50 करोड़ साल पहले इंडियन प्लेट, जो पहले गोंडवाना सुपर कॉन्टिनेंट का हिस्सा हुआ करती थी, वह इससे अलग होकर उत्तर दिशा में बढ़ते हुए यूरेशियन प्लेट से जा टकराई, और इस टकराव की वजह से इस दुनिया में एक नई और बेहद विशाल पर्वत श्रृंखला का जन्म हुआ, जिसे आज हम हिमालय के नाम से जानते हैं। अब दो प्लेट्स के आपस में टकराने से इतने बड़े पर्वत कैसे बन गए? चलिए आपको इसके पीछे की साइंस समझाते हैं। असल में दोस्तों, दुनिया के अंदर पर्वत कई अलग अलग तरह के होते हैं। इसमें वोल्केनिक माउंटेन, फोल्ड माउंटेन, फ्लॉट माउंटेन और डोम माउंटेन आदि का नाम शामिल है। ये सभी पर्वत दिखने में तो एक दूसरे से अलग होते ही हैं, साथ ही इनका फॉर्मेशन भी अलग तरह से होता है। इसलिए हम आपको सिर्फ फोल्ड माउंटेन के बारे में बताएंगे, क्योंकि हिमालय इसी प्रकार की एक पर्वत श्रृंखला है। आसान शब्दों में अगर कहा जाए तो एक फोल्ड माउंटेन का निर्माण तब होता है जब 2 या 2 से अधिक महाद्वीपीय टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे से टकराती हैं। दरअसल इनके टकराव से एक बहुत पावरफुल भू वैज्ञानिक दबाव पैदा होता है, और इस दबाव के कारण टकराव से निकला मलबा और कण एवं पत्थर जैसी कई वगैरह चीजें ऊपर की ओर उठते हुए पर्वत का रूप ले लेती हैं। इस तरह दुनिया में फोल्ड माउंटेन का निर्माण होता है, जिसके बनने की प्रक्रिया को भूवैज्ञानिक भाषा में ओरोगिनी कहा जाता है। हिमालय की बात करें तो इंडियन प्लेट के लगातार नॉर्थ दिशा में बढ़ने की वजह से अवसाधन और दबाव दोनों बढ़ते चले गए। नतीजन जब इसका यूरेशिया से टकराव हुआ तो समुद्र के तल के सेंटीमेंट्स की परतें फोल्ड होकर ऊपर उठ गई, और दुनिया में एक बिल्कुल नई पर्वत श्रृंखला हिमालय का निर्माण हुआ। लेकिन यह पूरा प्रोसेस कोई 2-4 साल में नहीं हुआ, बल्कि भूवैज्ञानिक ऐसा बताते हैं कि हिमालय के बनने की यह प्रक्रिया करोड़ों सालों में जाकर पूरी हुई थी, और यह अभी भी पूरी नहीं हुई है, बल्कि यह प्रक्रिया आज भी जारी है। दोस्तों, हिमालय कोई अकेला पर्वत नहीं है, बल्कि यह कई सारी अलग अलग पर्वत श्रृंखलाओं का एक विशाल समूह है। पश्चिम में पामीर कोण से शुरू होकर पूर्व में पूर्वांचल माउंटेन, ट्रांस हिमालयाज एंड ग्रेटर हिमालयाज, लेजर हिमालयाज और आउटर हिमालयाज जैसी पर्वत श्रृंखलाओं से मिलकर बना है। भूवैज्ञानिकों की माने तो ट्रांस हिमालयाज एंड ग्रेटर हिमालयाज का निर्माण सबसे पहले हुआ था। यही वजह है कि इन माउंटेन रेंज में पर्वतों का रंग हमें काला दिखाई देता है। दरअसल जैसा कि हमने आपको बताया, हिमालय का निर्माण तेदस्सी के तल के ऊपर उठने की वजह से हुआ है। ऐसे में भूवैज्ञानिक ये मानते हैं कि सागर के इस हिस्से में जो समुद्री जीव रहते थे, वह अत्यधिक दबाव और अवसाधन की वजह से काले रंग के फॉसिल्स में बदल गए, और इसी वजह से हमें ट्रांस हिमालय और ग्रेटर हिमालय में गहरे काले रंग के पर्वत दिखाई देते हैं। दोस्तों,
हिमालय अपने फॉर्मेशन और उत्पत्ति के लिए जितना खास माना जाता है, उतना ही जरूरी हम इंसानों के जीवन के लिए भी है। खास करके हम भारतीय लोगों के जीवन में इस पर्वत श्रृंखला का काफी बड़ा महत्व है। वो कैसे, चलिए आपको समझाते हैं। असल में देखा जाए तो हिमालय की लोकेशन एशियाई देशों और खास तौर से भारत के लिए एक बहुत बड़ा वरदान है। सबसे पहले तो सर्दी के मौसम में ये उत्तरी ध्रुव से निकली हड्डियों को जमा देने वाली सूखी हुई सर्दी और साइबेरियन हवाओं से ये हमारी रक्षा करता है। ये इन ठंडी हवाओं को काफी हद तक ब्लॉक कर देता है, जिससे इंडियन सबकॉन्टिनेंट का क्लाइमेट गर्म और हमेशा कंट्रोल में रहता है। इसके अलावा गर्मी के दौरान भारत में मानसून का आना भी हिमालय पर ही निर्भर करता है। दरअसल गर्मी के मौसम में इंडियन सबकॉन्टिनेंट काफी ज्यादा तप जाता है, जिससे एक लो प्रेशर एरिया बनता है। ये लो प्रेशर हिंद महासागर में नम हवाओं को अपनी तरफ खींचता है, और ऐसे में अगर हिमालय ना हो तो ये नम हवाएं भारत को पार करते हुए चीन की तरफ निकल जाती है, लेकिन हिमालय से टकराकर ये नम हवाएं ऊपर की तरफ उठते हुए ठंडी और गाढ़ी होने लगती है, और इस तरह से इस हवा से धीरे धीरे बादल बनना शुरू होते हैं और आखिरकार मानसून के दौरान हमें हेवी रेनफॉल देखने को मिलता है। अब बरसात का हम भारतीयों के जीवन में कितना महत्व है, ये बात तो आप सब लोग जानते ही होंगे, क्योंकि हमारी बहुत सारी फसलें फलने फूलने के लिए हर साल मानसून पर ही निर्भर करती हैं। इस सब के अलावा हिमालय चीन जैसे दुश्मन पड़ोसी देश के खिलाफ हमारे भारत के लिए एक कभी ना नष्ट होने वाले बैरियर की तरह काम करता है, यानी देश की सुरक्षा में ये एक ऐसे चौकीदार का रोल निभाता है जो भारत की रक्षा में हर पल हर सेकंड तैनात है। ये बात आप में से ज्यादातर लोगों को पता नहीं होगी, लेकिन हिमालय में पाए जाने वाले पानी के झरने और ग्लेशियर हम इंसानों के लिए फ्रेश वाटर यानी मीठे पानी के बहुत महत्वपूर्ण सोर्स हैं। लेकिन ये बड़े दुख की बात है कि आने वाले कुछ दशकों में ये ग्लेशियर 75% तक पिघल चुके होंगे। दरअसल हाल ही में पब्लिश हुई एक रिपोर्ट के अनुसार क्लाइमेट चेंज होने के कारण हिमालय के ग्लेशियर बहुत तेजी से पिघल रहे हैं। अगर इन ग्लेशियर्स को पिघलने से रोका नहीं गया तो इससे यहां आसपास के इलाकों में ऐसी भयंकर तबाही होगी जिसे रोक पाना इंसानों के बस में नहीं होगा, और इस तबाही के कई नमूने हम पिछले कुछ सालों में देख चुके हैं, जहां बाढ़ और भूस्खलन जैसी आपदाओं ने लोगों के जीवन को अस्त व्यस्त करने का काम किया है। दोस्तों, हिमालय पर्वत श्रृंखला जितनी ज्यादा विशाल है उतनी ही ज्यादा यह हम भारतीयों के जीवन के लिए महत्वपूर्ण भी है, लेकिन दुर्भाग्य से हम इंसानों को शायद अभी इसकी इतनी कदर नहीं है। तभी तो हमारे देश में क्लाइमेट चेंज जैसी मुसीबत से निपटने की बात कभी नहीं की जाती। अगर हम लोग इस तरह लापरवाह रवैया अपनाते रहे तो वो दिन दूर नहीं जब हम खुद ही अपनी बर्बादी का कारण बनेंगे। वैसे इसके बारे में आपकी राय क्या है हमें कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी हमारी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करें। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।